गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, द नाउन नंबर। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल बताया था। एस लगाने से कई ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन कई ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमें अलग अलग चीज़ें लगाने से वो एस बनते हैं, जैसे सी एच और एस एच और लास्ट में एस हो या एक्स हो, तो उनमें ई एस लगने से वो प्लूरल बनते हैं। ठीक है, अब आज हम और देखेंगे। नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सनेंट वाई फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एस। ओके, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वाई से एंडिंग होती है, तो उनमें आई एस लगने से वो प्लूरल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे कि फर्स्ट आर्मी, लास्ट में वाई है, तो जब प्लूरल में हम आर्मी, जब हम एक आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वाई में है वो, लेकिन जब बहुत सारी आर्मीज होगी तो उसको वाई को हटा के हम आई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जब हम एक आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं तब हम वाई लगाएंगे, लेकिन जब हम बहुत सारे आर्मीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आई एस लगाएंगे। तो जो भी नाउन वाई से एंड होते हैं उनमें लास्ट में आई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेबी, बेबीज। ओके, बच्चा, बेबी मतलब बच्चा। सिटी, सिटीज। डायरी, डायरीज। फेरी, फेरीज। ठीक है, इन सब में लास्ट में वाई है और इनमें आई एस लगने से ये प्लूरल बन गए। लेडी, लेडीज। ठीक है, लिली, लिलीज। लेडी का मतलब क्या होता है? औरत, औरत, औरतें। लिली, लिलीज मतलब लिली एक फ्लावर का नाम है, तो एक लिली बहुत सारे लिलीज। रिप्लाई, रिप्लाइज। स्टोरी, स्टोरीज। ट्रॉफी, ट्रॉफीज। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? जो भी वर्ड वाई से एंड होते हैं उनमें आई एस लगाने से वो प्लूरल बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट। बट द नाउन्स दैट एंड इन वॉवल, वॉवल पता है आपको क्या होते हैं? आई ओ, आई ई ओ यू एस। वॉवल सबने पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास से आप पढ़ रहे हैं। व्हाट आर वॉवल्स? वॉवल्स क्या होते हैं? जो साउंड वर्ड्स होते हैं जिनसे साउंड्स और एक्सेंट्स बनते हैं। ठीक है, बट द नाउन्स दैट एंड वॉवल वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। लेकिन जो वर्ड्स वाई से एंड होते हैं लेकिन उनमें बीच में वॉवल होता है तो वो उसमें सिर्फ एस लगता है, उसमें आई एस नहीं लगता और वाई भी नहीं कटता है। ठीक है, अब जैसे बॉय, तो वाई के पहले यहाँ पर क्या है? वॉवल है। ओ इज अ वॉवल। आपको वॉवल्स पता है क्या क्या है? ए ई आई ओ यू। ओके, दीज आर इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं वो ये हैं। तो बी ओ वाई, तो वाई के पहले क्या है? वॉवल है, ओ है, इसलिए इसमें एस लगाया है, आई एस नहीं लगाया है। ये आपको पहचानना है। ठीक है, अगर वाई के पहले वॉवल है तो आपको सिर्फ एस लगाना है, आई एस नहीं लगाना है। डोंकी, डोंकीज। की, कीज। मंकी, मंकीज। स्टोरे, स्टोरीज, स्टोरेज। अब इनके हिंदी मतलब बताती हूँ। बॉय मतलब लड़का, अब सबको पता है। डोंकी गधा, की चाबी, मंकी सबको पता है बंदर। स्टोरे मतलब एक ऐसी जगह होती है ना हमारे घर में जहाँ पर हम स्टोरेज रखते हैं, जो सामान हमको, जैसे राशन का सामान है या कोई भी एक्स्ट्रा सामान है घर में जो हमको नहीं यूज़ आ रहा है, तो हम एक कमरा बनाते हैं या एक कॉर्नर बनाते हैं घर में जिसमें हम वो सामान रख देते हैं, फिर जब ज़रूरत होती है तब हम वहाँ से निकालते हैं, तो वो होता है स्टोरे। टॉय, टॉयज, खिलौने। ट्रे, ट्रेज। टर्की, टर्कीज। वैली, वैलीज। वे, वेज। ओके, टॉय मतलब खिलौना, ट्रे आप सब जानते हो, आपके घर में मेहमान आते हैं तब हम ट्रे में सबको चाय पानी इस तरह से हम सर्व करते हैं, इसलिए ट्रे सबको पता ही है। टर्की, वैली मतलब नदी। ठीक है, एक पतली सी जो नदी बहती है उसे वैली कहते हैं। और वे रास्ता। ओके, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको अभी आज के लिए आप ये दो लर्न करेंगे बहुत अच्छे से,
ठीक है, और आपको इनको अपनी कॉपीज में यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ये देखिए, मैं बताती हूँ, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहले आप इसको, ये देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पहले आप, ठीक है, और फिर ये वाला कॉलम आप अपनी कॉपीज़ में लिखना है आपको। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे और फिर ये वाला कॉलम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले आपको ऊपर ये लिखना है और उसके बाद ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया था, ये दोनों वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, जैसे आपने पहले वीडियो में देख के किया होगा उसी तरह से इसमें भी करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, हम आगे के वीडियोज़ में और भी देखेंगे।